नमस्कार, मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। आज हम बनाएंगे मसाला कोन चाट। स्पाइसी सी, टेंगी सी, टेस्टी सी और झटपट बनने वाली। तो चलिए बनाते हैं मसाला कोन चाट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। मेरा पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं अपनी ये कोन डालूंगी। कोन आप कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने पैकेट वाली कोन ली है। आप फ्रेश कोन या फ्रोजन कोन भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 छोटी चम्मच नमक डालूंगी। मैं नमक इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि हमारी कोन में नमक अंदर तक चला जाए और वो थोड़ी थोड़ी नमकीन हो जाए। तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालकर इसे ढककर सॉफ्ट होने तक बॉयल करूँगी। कोन हमारी अच्छे से बॉयल होकर सॉफ्ट हो चुकी है। अब इनको हम छान लेंगे। कोन को मैंने छान लिया है। अब इसे एक बटरी टेस्ट देने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं अपनी ये गर्मा गर्म कोन डाल दूंगी। इन्हें मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कुछ देर तक फ्राई करूंगी ताकि इनमें बटर का टेस्ट अच्छे से आ जाए। मैंने कोन को 2 मिनट तक बटर में फ्राई कर लिया है। मेरे कोन में एक बहुत ही अच्छा बटर का टेस्ट आ गया है। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूंगी और अपनी चाट तैयार करूंगी। अब इसमें मैं अपने मसाले ऐड करती हूँ। इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/4 छोटी चम्मच इसमें मैं सादा नमक डालूंगी। नमक हम कोन में पहले भी डाल चुके हैं तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसके साथ ही इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल दूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी मार्केट जैसी स्पाइसी कोन चाट बनकर तैयार है। आप भी झटपट से बनाइए और इसे खाइए और खाते खाते मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।